नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जर्मन शेफर्ड है और इसमें जो है डॉग डॉग बाइट हो चुका था। तो डॉग बाइट में मतलब जो डॉग बाइट हुआ था वो हाइंड पोर्शन पे हुआ था। GSD मेल है, जर्मन शेफर्ड मेल है, तो इसमें डॉग बाइट हुआ था हाइंड पोर्शन पे, डॉर्सल साइड पे। डॉर्सल साइड जो पीठ की साइड होती है, बैक रीजन पे, वहाँ पे हुआ था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये डॉग बाइट हुआ था तो यहाँ पे वुंड हो गया था, घाव हो गया था। तो घाव होने की वजह से घाव में इन्फेक्शन हुआ और इसमें मेगट्स आ गए थे, मेगट्स पड़ गए थे। तो आइए हम देखते हैं इसमें जो है मेगट्स जो है प्रॉपरली, इसमें जो प्रोसीजर रहता है कि मेगट्स जो है उसको प्रॉपरली रिमूव करना पड़ता है, नहीं तो वापस से इनका रीअकरेंस होने लगता है। तो 3 to 4 days कंटिन्यूस जो है इसके एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग होना चाहिए और प्रॉपरली मेगट्स को रिमूव करते रहना चाहिए। देखिए आप कैसे इसमें मेगट्स निकल रहे हैं, धीरे 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 सारे एक एक करके रिमूव करने पड़ते हैं। ये अंदर ही अंदर बहुत सारे हो जाते हैं, आपको बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, अंदर इसका अंदर से इसे निकाला जाता है। इसमें जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है, इसमें एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करी जाती है और एक NSAID जैसे कि मेलोनेक्स दे सकते हैं उसमें इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए, और एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग जो है वो करना ही पड़ेगी। और चूंकि ये डॉग बाइट था तो इसमें एंटी रेबीज भी लगाना पड़ेगा। धीरे 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 इसको अटैचमेंट से, स्किन के अटैचमेंट से बहुत जल्दी ये वो हो जाते हैं स्टिकी, तो इनको धीरे 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 निकालना पड़ता है। और अगर ये प्रॉपरली निकल नहीं पाए तो रीअकरेंस इसका ज़रूर होता है, वापस से होने लगते हैं और वो उनको अंदर ही अंदर इन्फेक्ट करते हैं। ये देखिए गौज, ये गौज में गौज जो है इसमें अंदर डालेंगे ताकि जितने भी इसके स्पेस इसने ऑक्यूपाई करे वुंड ने, तो ये गौज को कर देंगे ताकि मेगट्स और ऊपर की तरफ आए। ये देखिए सर जी, ये सीजर से इसे अंदर की तरफ इंसर्ट कर रहे हैं। ये देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी तक इसमें से इतने मेगट्स जो है रिमूव हो चुके हैं।
अभी इसे टर्पेंटर और इसमें डाला था, और अब इसमें जो है हम निगासन पाउडर जो कि एंटीबायोटिक पाउडर है वो उसका यूज़ करेंगे। ये देखिए वो पाउडर ढंग से डाला जा रहा है ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ को वो इनहिबिट कर सके, इसलिए पाउडर ढंग से हम डालेंगे। उसके बाद हम गौज़ का यूज़ करेंगे, गौज़ को हम अच्छी तरह से सोक कर लेंगे बीटाडीन जो पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन होता है लिक्विड सॉल्यूशन उसमें, और पूरा वो गौज़ जो है सोक्ड विथ पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन उसमें इंसर्ट करेंगे। ये देख पा रहे हैं आप, ये जो गौज़ है पहले उस साइज़ का गौज़ काटा गया है। गौज़ हमें इतना लेना है कि वो वुंड में कोई स्पेस ना बचे, क्योंकि अगर वुंड में कोई स्पेस बचती है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये अच्छी तरीके से उसे इंसर्ट करेंगे वुंड में। ये देखिए गॉज पूरी तरीके से इंसर्ट हो चुका है अंदर धीरे 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 करके, और चूंकि ये डॉग बाइट था इस डॉग में, तो इस डॉग को किसी और स्ट्रीट डॉग ने बाइट करा था उस वजह से वुंड बना था, तो इसलिए इसमें एंटी रेबीज का शॉट भी दिया जा रहा है इंट्रामस्कुलर, क्योंकि पोस्ट बाइट में इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। ये इंट्रामस्कुलर लग चुका है, और बहुत बहुत धन्यवाद। इस रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो सजेशन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते, बता सकते। थैंक यू वेरी मच।